अस्सलाम वालेकुम। स्केलेटल पैथोलॉजी हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मस्कुलर पैथोलॉजी। वो छोटा सा रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनके बाहर वाली लेयर जो होती है वो एपिमाइसियम की होती है और उसके अंदर वाली जो है पेरिमाइसियम होती है और बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोमाइसियम की होती है। इस तरह से जो है ये मसल फाइबर्स होते हैं, मसल बंडल्स होते हैं, इस तरह से उनको कवर कर रही होती हैं लेयर्स। ठीक है, अब हमने जो डिजीज़ पढ़नी है वो एक्चुअली इस तरह की होंगी कि वो इन जो लेयर्स होंगी ना उनमें से किसी को इन्वॉल्व कर लेगी। दो हम डिजीज़ पढ़ेंगे जिसमें एक डिजीज़ में क्या होगा पेरिमाइसियम इन्फ्लेमेशन हो रही होगी और एक डिजीज़ होगी उसमें एंडोमाइसियम जो अंदर वाली लेयर है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही होगी। अब खुद सोचें किसी के मसल्स के अंदर इस तरह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उसको पेन होगी ना, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डिजीज़ एंड डर्मेटोमायोसाइटिस, इसमें एक्चुअली वो होगा मतलब कि जो पेरिमाइसियम होगी ना वो इन्वॉल्व हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें डर्मा मींस स्किन भी इन्वॉल्व हो रही है, स्किन की इन्फ्लामेशन भी हो रही है, मायो मींस कि इसमें मसल की भी इन्फ्लामेशन हो रही है और साथ में आइटिस मींस इन्फ्लामेशन हो रही है, मींस दैट स्किन एंड मसल की इन्फ्लामेशन जो है इसमें हमें नज़र आ रही होती है। तो इट इज़ द इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एंड द स्केलेटल मसल। अब इसके कॉज का हमें नहीं पता लेकिन कहते हैं कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, सो अगर किसी को मतलब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वो तो अंदर छुपा होता है, लेकिन डर्मेटोमायोसाइटिस तो हमें नज़र आ रहा होता है। तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों जो कि हम आगे देखते हैं कि डर्मेटोमायोसाइटिस के किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, सो वी हैव टू रूल आउट कि वेदर द पेशेंट इज़ हैविंग द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और नॉट। तो कहते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होता है तो साथ ही हमें बायोप्सी करके जल्दी से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को देखना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, डर्मेटोमायोसाइटिस है तो मसल्स जो हैं प्रॉक्सिमल मसल्स सबसे पहले जो है उनकी बायलेटरल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है जब उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। डिस्टल इन्वॉल्वमेंट कैन डेवलप लेटर इन द डिजीज़। ठीक है, तो पहले क्या है प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर डिस्टल मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है जो अपर, अब हमने स्किन की तो मसल की होगी ना, स्किन की भी तो हमने कुछ करवाना है क्योंकि स्किन भी इसमें इन्वॉल्व होगी इन्फ्लेमेशन में। तो इसमें क्या होगा, अपर लिड्स के ऊपर हमें करेक्टरिस्टिक रैश नज़र आएगी, हमें चीक के ऊपर जो चीक्स होती हैं वहाँ पे मैलर रैश, मैलर मींस चीक्स, तो चीक्स के ऊपर रैश नज़र आएगी हमें। एल्बोज, नकल्स, नीज के ऊपर कुछ रेड पेप्यूल्स से नज़र आएंगे। तो इस तरह के जो रैशेज स्किन की इसकी जो करेक्टरिस्टिक चीज़ें होंगी ना उनको उन्होंने करेक्टरिस्टिक नाम दे दिए हुए हैं। एक उन्होंने जो है हेलीड्रॉप रैश दिखा दी हुई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या होती है। इसके अलावा उन्होंने मैलर रैश, वैसे मैलर रैश तो वैसे ही है जनरल है कि चीक पे रैश हो गई है, और ग्रॉटन लीजन्स, ग्रॉटन लीजन्स क्या होती हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि जब ऑब्वियसली मसल्स डैमेज हो रहे हैं तो उनका जो इंजाइम होगा क्रिएटिनिन काइनेज वो हमें एलिवेटेड मिलेगा। ठीक है, ये हमें बताएगा कि मसल्स की इन्फ्लेमेशन चल रही है और कौन से पार्ट की, पेरिमाइसियम, पेरिमाइसियम की। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, पेरिमाइसियल इन्फ्लेमेशन हो रही होती है CD4 हेल्पर टी सेल्स की, और जो है साथ में वो सारी एट्रोफी हो गई होती है, फेसिकुलर्स जो होते हैं मसल फैसिकल्स की एट्रोफी हो गई होती है ऑन द बायोप्सी। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें हमें पॉजिटिव चीज़ मिलती है ना वो होती है ये इसकी Anti-JO1 एंटीबॉडी। इसलिए मसल्स के अगेंस्ट ही जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनी होती है ना, मतलब ये इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि Anti-JO1 एंटीबॉडी इज़ करेक्टरिस्टिक फॉर दिस डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है, ये बताता है कि एक्चुअली जो है ना डर्मेटोमायोसाइटिस हुआ हुआ है Anti-JO1 एंटीबॉडी। बाकी ये है कि NAB इसमें पॉजिटिव होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, बिकॉज देयर इज़ इन्फ्लेमेशन सो वी हैव टू ट्रीट इट विद द स्टेरॉइड्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन्होंने एक फ्लावर देखा हुआ था, इन लोगों ने पहले कहा ना हेलीड्रॉप फ्लावर था, इसका नाम होता है हेलीड्रॉप फ्लावर, ये तो पर्पल कलर का फ्लावर होता है। ठीक है, तो जब इन्होंने इसको देखा ना, ये जो रैश थी इनकी आईलेट्स के, तो कहते हैं ये तो पर्पल कलर की जो फ्लावर है ना उसकी तरह लग रहा है, तो इन्होंने उसका नाम ही हेलीड्रॉप रैश रख दिया। ठीक है, हेलीड्रॉपिक फ्लावर था उसके नाम पर इन्होंने हेलीड्रॉप रैश नाम रख दिया। ठीक है, जो आईलेट्स के इर्द गिर्द होती है डर्मेटोमायोसाइटिस में, और ये जो इनको स्किन के लीजन्स मिल रही थी ना नकल्स के ऊपर, और यहाँ पे इनको नकल्स के ऊपर, एल्बोज़ के ऊपर भी इस तरह की नज़र आ रही होती है, नीज़ के ऊपर इस तरह की लीजन्स नज़र आ रही होती है, रेड कलर के पैप्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इनका नाम इन्होंने रख दिया क्या, गॉट्रॉन पैप्यूल्स। ठीक है, गॉट्रॉन पैप्यूल्स इसका नाम रख दिया इन्होंने, तो इस तरह के डिफ़िकल्ट से नाम रख दिए, अदरवाइज़ यही है कि रेड कलर के पैप्यूल्स नज़र आ रहे हैं इसमें।
डर्मेटोमायोसाइटिस के बाद जो हमने डिजीज़ पढ़नी है वो पोलीमायोसाइटिस है। अब डर्मेटोमायोसाइटिस के नाम से आपको पता चल रहा था कि उसमें मसल्स प्लस स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, लेकिन इसके नाम में आपको कहीं भी स्किन का वर्ड नज़र नहीं आ रहा। पोलीमायोसाइटिस इन्फ्लेमेशन हो रही है मल्टीपल मसल्स की इन द बॉडी, ठीक है। और ये भी उस तरह से, अब ये जो मसल्स का हिस्सा होगा जहाँ पर ये इन्वॉल्व करेंगे, ये एंडोमायोसिन को इन्वॉल्व करेंगे, जो मसल्स के अंदर वाली लेयर्स होती है, जो मसल की जो फाइबर्स होती हैं उनको कवर कर रहे होते हैं। देखें, पोलीमायोसाइटिस जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जस्ट स्केलेटल मसल्स का होगा, ये रिजेंबल कर रहा होता है डर्मेटोमायोसाइटिस को क्लिनिकली, ठीक है, लेकिन स्किन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो हमने स्किन पे वो जो हेलीट्रोपिक रैश देखी थी, क्रॉटन पेपुल्स देखे थे, मैलर रैश देखी थी, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सिर्फ मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, और मसल्स की भी मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस पहले होती है और फिर डिस्टल मसल वीकनेस होती है, ठीक है। एंडोमाइसियल इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, ठीक है। ये भी डिफरेंस आ गया, एक डिफरेंस ये है कि स्किन को इन्वॉल्व नहीं करता, दूसरा ये है कि एंडोमीसियम को इन्वॉल्व करता है, ठीक हो क्या। और बायोप्सी में हमें जो नेक्रोसिस मिल रही होती है मसल्स की, ठीक है। फिर आता है एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें आपके नाम सुने होंगे आपने, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और दूसरा इसके साथ होता है बेकर्स मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये दोनों होते हैं इसमें। एक्स लिंक्ड होते हैं मीन्स दैट देयर सम एसोसिएशन विद द जीन्स, तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है और कैरेक्टराइज बाय मसल वेस्टिंग। डिस्ट्रॉफी से समझ आ रही है कि मसल वेस्ट हो जाएंगे इसमें, और वहाँ पे इस तरह से वेस्ट होंगे जो स्केलेटल मसल होगा ना उसकी जगह एडिपोज टिश्यू आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बड़े बड़े मसल्स बनाते हैं, इसमें जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, इसमें क्या होता है कि वो मसल्स सूडो हाइपरट्रॉफी हुई होती है, मतलब कि मसल्स की जगह फैट आ गया होता है, ठीक है। तो ऐसे लगता है इसके बहुत प्यारे मसल्स हैं, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग करता है ये बंदा, लेकिन उसके अंदर स्केलेटल मसल नहीं होता, उसके अंदर स्केलेटल मसल की जगह एडिपोज टिश्यू आ गया होता है। खुद सोचें, किसी के मसल्स के अंदर फैट बढ़ गई होती है, मसल्स के पीस फैट बढ़ गई हुई है, स्केलेटल मसल इज़ रिप्लेस्ड बाय एडिपोज टिश्यू, तो वो सूडो हाइपरट्रॉफी होगी मसल्स की। तो ये इसमें एक्चुअली मसल वेस्टिंग हो जाती है और उसकी जगह एडिपोज टिश्यू आ जाता है, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन आती है ना इसमें, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉफिन की होती है। डिस्ट्रॉफिन क्या होती है, ये जस्ट एक मसल की साइटोस्केलेटन होती है, ठीक है। मतलब कि डिस्ट्रॉफिन एक प्रोटीन होती है जो मसल के साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ के रखती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे जोड़ के रखती है। म्यूटेशन इसमें जो होती हैं स्पॉन्टेनियसली आ जाती हैं इस डिस्ट्रॉफिन जीन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। क्या, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ड्यूशीन और बेकर में जो डिफरेंस आता है ना, वो ये आता है कि ड्यूशीन जो होती है ना ज़्यादा खतरनाक होती है, और बेकर जो होती है ये इतनी खतरनाक नहीं होती, ठीक है। ड्यूशीन इस तरह से ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि इसमें डिलीट हो गई है वो डिस्ट्रॉफिन की जो जीन है ना, वो ख़त्म ही हो गई है, मतलब है ही नहीं है। मींस दैट कि मसल्स की वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ने वाली प्रोटीन थी, ठीक है, वो है ही नहीं है, ठीक है। मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली वो है ही नहीं है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बिल्कुल एब्सेंट है। तो इस वजह से इसमें जो सिम्टम्स आएंगे बंदे के, वो ज़्यादा खतरनाक होंगे एज़ कम्पेयर टू बैकर्स, जिसमें जस्ट वो म्यूटेट होती है लेकिन इतना, मतलब ऐसा उस तरह से डिलीट नहीं है पूरी तरह। इस वजह से क्या होता है, बेकर्स में माइल्डर डिजीज़ होती है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो अब इस क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रॉक्सिमल वीकनेस आती है बच्चा जब एक साल का होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल, मतलब ये इट इज़ एक्सलेंक्ड, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चा जब एक साल का होता है तो वहाँ पे प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टल मसल्स को भी इन्वॉल्व करती है, मतलब कि पहले प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्टल मसल्स। इसमें ये होता है ना कि शुरू में बच्चा जो होता है अभी एक साल का है ना, तो आपको पता है एक साल का बच्चा कहाँ चलना शुरू करता है, वो तो अभी बैठा होता है, ठीक है, मतलब कि वो अभी क्रॉलिंग वगैरह कर रहा होता है। तो ऐसा सच ना उस तरह से प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हो रही होती है, लेकिन जब चलना शुरू करता है ना फिर उसे बिल्कुल भी उस तरह से, मतलब क्योंकि काफ मसल्स मोस्टली जो काफ के मसल्स होते हैं ना वहाँ पे तो बिल्कुल सूडो हाइपरट्रॉफी होती है, बच्चों से उठा भी नहीं जाता, मतलब चला भी नहीं जाता ना, इस तरह के केसेस आते हैं। फिर तो ये है कि प्रोग्रेसिव टू इन्वॉल्व द डिस्टल मसल्स, जब वो उसे चलना शुरू करते हैं तो फिर उनके डिस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग फोर्स उसमें पड़ती है। पहले तो वो क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉक्सिमल मसल्स मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं अपनी टांगों पे, तो वो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ती है ना, तो फिर वो उसमें ज़्यादा डीजनरेशन फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो काफ सूडो हाइपरट्रॉफी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, और इसमें भी सीरम क्रिएटिनिन काइनेज हमें एलिवेट मिलेगा, और इन लोगों में जो डेथ होती है वो कार्डियक या रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है, मायोकार्डियम इज़ कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक हो क्या। सो डिस्ट्रॉफिन को देखें ज़रा, ये हमारा पूरा मसल है, उसमें से मसल फाइबर
के बंडल्स निकल रहे हैं, फिर मसल फाइबर मेम्ब्रेन है उसमें से, अब देखें कहाँ पे जाके म्यूटेशन आ रही है। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, इसने क्या किया हुआ है कि हमारी जो मसल के अंदर के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको बाहर, मतलब अंदर जो साइटोस्केलेटन है उसको बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ एंकर किया हुआ है, ठीक है, एंकर किया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखें कि ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, इसने साइटोस्केलेटन जो मसल का है उसको बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ के रखा हुआ है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे भी देखें, ठीक है। तो एज अ होल जब डिस्ट्रोफिन नहीं होगी तो इस तरह से मसल जो होंगे वो मतलब वीक होना शुरू हो जाएंगे, और प्रॉक्सिमल मसल वीकनेसेस एंड देन डीजनरेशन ऑफ द मसल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रोफिन में ये होता है, और ये एक्चुअली सूडो हाइपरट्रॉफी है जिसमें क्या हो रहा होता है कि जो प्रॉक्सिमल जो डिस्टल काफ मसल्स होते हैं वो मोस्टली बाद में इन्वॉल्व होते हैं, शुरू में प्रॉक्सिमल होती है। डिस्टल में जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो फिर उनकी सूडो हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए मसल नहीं है, इसमें जस्ट फैट है, ठीक है, बच्चों से जो है वो उठा नहीं जाता, इतनी वो उनकी नीचे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ सूडो हाइपरट्रॉफी वेयर मसल्स एक्चुअली नॉट प्रेजेंट, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द एडिपोज टिश्यू। सो डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। स्केलेटल मसल में इतना ही था। अब हमने देखना है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो डिजीज़ होती हैं वो आपने पढ़ी भी होंगी, मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन, ठीक है। इन दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, कोई बंदा आपके पास आया लैम्बर्ट ईटन का और एक तरफ मायस्थीनिया ग्रेविस, तो हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि वेदर द पर्सन इज़ हैविंग द मायस्थीनिया ग्रेविस और द लैम्बर्ट ईटन, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इसमें देखें कि सबसे पहले वी हैव द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हमने डिजीज़ पढ़नी है, तो यू नाउ दैट के नर्व टर्मिनल होता है और वो मसल बंडल्स के ऊपर ऐसे राइज कर रहा होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम के एक हमारे होते हैं कैल्शियम आइंस के एक होते हैं कि कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन के जो अंदर स्टोर्ड ये जो पर्पल कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे आएंगे, ये निकलेंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, एसिटाइल कोलिन के जो वेसिकल्स होंगे उनको स्टोर फॉर्म के होंगे उनको रिलीज़ करवाएगा, ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे जाके एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा और मसल्स की जो है वो प्रॉपर कंट्रैक्शन वगैरह करवाएगा, ठीक है। अब मायस्थीनिया ग्रेविस में होता क्या है कि जो हमारी ये जो होते हैं दीज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब खुद सोचें कि सारी एंटीबॉडीज़ से कवर हो गए हैं, रिसेप्टर्स सारे यूटिलाइज हो गए हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ ने उनको घेर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एसिटाइल कोलिन तो है ही नहीं है, मतलब एसिटाइल कोलिन वहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडीज़ खुद जाके बाइंड हो गई हुई हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के साथ, और एसिटाइल कोलिन को वहाँ पे बाइंड ही नहीं होने दे रही, ठीक है, कि वो जो है अपना काम करें। तो अब होता क्या है, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये उनके रिसेप्टर्स को एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को इतनी ज़्यादा मतलब बार बार स्टिमुलस मसल कंट्रैक्ट करता जाता है, वो थक जाता है, ठीक है, वो थक जाता है कंट्रैक्ट कर करके, कि एक टाइम आता है कि वो कैल्शियम भी अंदर आना बंद हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम भी अंदर आना बंद हो जाता है, तो इस तरह से जो चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है इसके ट्रीटमेंट में, कि हम सिंपली क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलीन जो होती है ना उसको बॉडी में देते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलीन जो होती है वो कम्पीट करती है एंटीबॉडीज से, जो चीज़ ज़्यादा होगी वो दूसरे को पीछे कर देगी और आके उसके साथ मतलब एंटीबॉडीज़ को बाइंड नहीं होने देगी और फिर इस तरह के उसके सिम्टम्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो एंटीबॉडीज़ जो है मसल को स्टिमुलेट करती जा रही है, मसल जो है वो स्टिमुलेट होता जा रहा है, और फिर एक टाइम आता है कि वो थक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मसल की जो है प्रॉब्लम आती है। अब ये होता है कि ऐसे लोगों की जो मसल्स होते हैं वो जब रेस्ट पे होते हैं तो फिर वो सुकून में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मूव करते हैं एक्टिविटी करना शुरू करते हैं तो साथ ही वो मसल फिर से थक जाता है क्योंकि उसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ये इनमें जो है चीज़ें आती हैं मायस्थीनिया ग्रेविस में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट देखें लैम्बर्ट ईटन में, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो इस कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं उसके अगेंस्ट जब बनेंगी ना एंटीबॉडीज़, तो उसको कहेंगे लैम्बर्ट ईटन, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ बन रही थी मायस्थीनिया ग्रेविस में, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स में, लैम्बर्ट ईटन में कहाँ बनेंगी एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। अब इसमें मायस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है थे, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो थे वो अवेलेबल थे, मतलब कि कैल्शियम चैनल्स है थे वो अपना काम कर रहे थे, एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन एसिटाइल कोलिन रिलीज़ तो हो रहा था लेकिन उसके रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट केस है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। अब जब कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, कैल्शियम ही नहीं रिलीज़ होगा,
जब कैल्शियम के आइन्स ही नहीं अंदर जाएंगे तो वो सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज़ नहीं होंगे, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज अगर इंजाइम देते हैं, ठीक है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एक्चुअली मायसिन ग्रेविस में हमें एसिटाइलकोलिनेस्टरेज दे रहे थे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि उसमें हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज दे रहे थे जो कि हमारे एसिटाइलकोलिन को जो है तोड़ना नहीं दे रहा था उसको, मतलब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स दे रहे थे। जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होता है वो हमारे एसिटाइलकोलिन को रिलीज मतलब तोड़ रहा होता है ना। तो अब जब हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स दे देंगे तो वो एसिटाइलकोलिन जो है वो टूटेगा नहीं और वो अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्टली हम एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा कर रहे थे उसमें। लैम्बर्ट ईटन में क्योंकि एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज अगर देंगे भी तो सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होंगे क्योंकि एसिटाइलकोलिन है ही नहीं है, ठीक है, जो टूट रहा हो, ठीक है, तो कैल्शियम ही नहीं है, कैल्शियम की मसला है यहाँ पे, कैल्शियम चैनल्स में मसला है, ठीक हो गया। तो मायसिन ग्रेविस जो होता है इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे, और ये ज़्यादातर वुमेन में देखा गया है। और मसल वीकनेस जो होती है ये वर्सन होती है विद यूज़, क्योंकि वो थक जाते हैं मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर करके, और इम्प्रूव करते हैं विद रेस्ट, ठीक है। और ये हमारी आइज़ को इन्वॉल्व करता है, टोसिस होती है, डिप्लोपिया होता है, सिम्टम्स इम्प्रूव होती हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एजेंट से, एसोसिएट विद द थायमक। अब ये थायमिक हाइपरप्लेसिया के साथ होता है और थायोमोमा मतलब कि थायमिक हाइपरप्लेसिया होगा अलॉन्ग विद द मायसिन ग्रेविस, ठीक है, वो ये होगा ना एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा बन रही होंगी। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के थायमस को रिमूव कर देते हैं ताकि जो उनके सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा वो कम हो जाए, ठीक है। लैम्बर्ट ईटन में बिल्कुल अपोजिट है कि यहाँ पे प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनेंगी और ये एसोसिएटेड होता है पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है आपने, पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम मोस्टली कौन सा होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। अगर कोई आपको पेशेंट मिलता है लैम्बर्ट ईटन का तो आपने जल्दी से लंग कैंसर को देखना है कि उसको स्मॉल लंग कैंसर तो नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं है, फायरिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स इज रिक्वायर्ड फॉर एसिटाइलकोलिन रिलीज, ठीक है, तो वही नहीं है तो एसिटाइलकोलिन कैसे रिलीज होगा। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि यूज़ के साथ ही इम्प्रूव होता है, ठीक है, और आइज़ इसमें स्पेयर होती हैं, मतलब कि लैम्बर्ट ईटन में क्या है, आइज़ को कुछ नहीं हो रहा, मायसिन ग्रेविस में आइज़ में टॉसिस हो रहा था, डिप्लोपिया हो रहा था, ठीक है। और लैम्बर्ट ईटन में क्या है कि हम जब यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करेंगे तो कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, ठीक है, हम जितना यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ वो भी कैल्शियम चैनल्स वर्क करेंगे यूज़ करने से, तो उसकी वजह से फिर एसिटाइलकोलिन कुछ ना कुछ रिलीज़ होगा तो सिम्टम इम्प्रूव होंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल अपोजिट है मायसिन ग्रेविस। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एजेंट्स अगर हम देते हैं तो वो इम्प्रूव नहीं करते सिम्टम्स, ऑब्वियसली रिजॉल्व द रिसेक्शन ऑफ द कैंसर। जैसे ही हम इस स्मॉल सेल कार्सिनोमा को रिमूव करते हैं तो साथ ही कंडीशन ठीक हो जाती है। अब डिफरेंस चेक करें, मायसिन ग्रेविस के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, लैम्बर्ट ईटन में कहाँ पे हैं, कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट। मायसिन ग्रेविस में क्या था कि हमारे जो थे मायसिन ग्रेविस में हमारी आइज़ इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ पे आइज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। और इसके अलावा मायसिन ग्रेविस में क्या था, थायमिक हाइपरप्लेसिया एसोसिएटेड था, लैम्बर्ट ईटन में क्या है एसोसिएटेड, हमारा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ठीक है, लंग। और मायसिन ग्रेविस में क्या था कि आपके जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट्स आप दे रहे थे तो सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। और उसके बाद हम करते हैं सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, इनके मैं क्लिनिकल फीचर्स आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। लाइपोमा, लाइपोमा क्या होता है, ओमा मींस बिनाइन एंड लाइपो मींस एडिपोस टिश्यू, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द एडिपोस टिश्यू इज लाइपोमा। और मोस्ट कॉमन बिनाइन जो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होता है एडल्ट्स में वो यही होता है लाइपोमा, ठीक है, बहुत कॉमन होता है, मैंने भी देखा हुआ ये चाहिए। उसके अलावा लाइपोसार्कोमा जो होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है एडिपोस टिश्यू का, सार्कोमा से आपको समझ आ रहा है। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर जो होता है एडल्ट्स में ये होता है, बिनाइन में लाइपोमा है और लाइपोसार्कोमा इज अ मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक सेल होता है दैट इज़ लाइपोप्लास्ट, ठीक है, लाइपोप्लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक सेल होता है। रेब्डोमायोमा जो होता है ऑब्वियसली मसल्स, रेब्डो मीन्स स्केलेटल मसल, मायोमा मीन्स मतलब के ओमा मीन्स के बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्केलेटल मसल्स होगा। और कार्डियक रेब्डोमायोमा इज एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में एक्चुअली हमारे मल्टीपल ट्यूमर्स बने होते हैं बॉडी में और उसमें से एक कार्डियक रेब्डोमायोमा है, ठीक है। रेब्डोमायोसार्कोमा आपने पढ़ा भी होगा, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था रेब्डोमायोसार्कोमा में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स वजाइना में प्रेजेंट थे, ठीक है, और वो जो गर्ल्स होती हैं उनके वजाइना में ये रेब्डोमायोसार्कोमा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बाहर आ रहा होता है। तो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है स्केलेटल मसल्स का, बच्चों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट
जो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होता है, ठीक हो गया, और मोस्ट कॉमन मेलेग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इन द चिल्ड्रन, ठीक है, और एडल्ट्स में कौन सा था, लाइपोसार्कोमा, ठीक हो गया। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक सेल होता है वो रेब्डोमायोब्लास्ट होता है, ठीक है, और ये डेस्मिन पॉजिटिव होता है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, हेड एंड नेक है, लेकिन अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स के अंदर विजाइना के अंदर है, एज अ होल वैसे हेड एंड नेक पे है लेकिन गर्ल्स में विजाइना में है। इस तरह से क्या हो रहा है कि मायसिन ग्रेविस में टोसिस हो रही है, डिप्लोपिया हो रहा है, और इसके अलावा ये हमारे जो है लैम्बर्ट इटन में है, लैम्बर्ट इटन में हमने लंग कैंसर को देखना होता है, ठीक है। दिस इज जैसे लैम्बर्ट इटन में कैल्शियम चैनल्स जो है उनके अंदर अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं, और मायसिन ग्रेविस में सेल्कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बन रही हैं। दिस इज एक्चुअली द लाइपोमा जो कि मोस्टली आपके यहाँ पे एडल्ट्स में कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर मोस्टली यहाँ पे होता है, और दिस इज एक्चुअली द लाइपोसार्कोमा, ठीक है, जो कि मैलिग्नेंट है, और ये लाइपोब्लास्ट होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक लाइपोसार्कोमा के। और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में जो है डिफरेंट ग्रोथ्स होती हैं जगह जगह पर, तो उसमें से एक रेब्डोमायोस, ठीक है, और दिस इज एक्चुअली द दैट यहाँ पे दिस वन, ठीक है, रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है। डर्मेटोमायोसाइटोसिस की इन्होंने ये दिखाई हुई है, बिल्कुल जो पैरीमीसियम के साथ वाले रीजन है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको दिखाई हुई है। सो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मसल डिसऑर्डर्स के बारे में कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस पहले स्टार्ट होती है, तो पेशेंट को शुरू में जो है ना प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, जो हम हाथों से काम कर रहे होते हैं, मोस्टली हम बाल अपने ब्रश कर रहे होते हैं, कॉम्बिंग कर रहे होते हैं, या हम स्टेयर्स को चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जब वो प्रॉक्सिमल मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगे ना तब, तो उनको पता चलेगा ये क्या हमारे मसल्स वीक होते जा रहे हैं, प्रॉक्सिमल मसल्स, ठीक है, तो पहले उनके प्रॉक्सिमल मसल्स अफेक्ट होते हैं और कॉम्बिंग ऑफ द हेयर में प्रॉब्लम चलती है।